पार केवटिया सतगुरु सही को चरण में लगा इसलिए संतों की संगति के महत्व को बताया कि उसका क्या जीवन के महत्व इस बात के हम भजन में कह रहे थे संगत अमर जड़िए सत संगत अमर जड़िए इसलिए कहा नरसिंह जी की कथा सबको मालूम है
कि जब भगवान कृष्ण ने उनको 56 करोड़ का मायरे की मदद की थी और वहां जाकर के उन्होंने क्या हुआ कि ऐसे नरसिंह जी क्योंकि बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, ज्यादा लखपति करोड़पति अरबपति था, तो उनके घर ऐसा सर्व समागम होता रहता था। एक दिन क्या हुआ, उनके गुरु जी पीपा वो उनके घर आए थे। इस तरह से अभी किसी संत महात्मा बैठे हमारे यहाँ अनोखिला भाई के पास ऐसे, तो उन्होंने थोड़ा सा धनावेश में आकर के संतों की पूछ बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया, तो ये बात उनके गुरु जी को अच्छी नहीं लगी, तो वो उठ के जाने लगे। तो नरसिंह जी ने कहा, कह रहे गुरु जी अभी तो आपके हमने दक्षिणा भी नहीं दी और अभी कहाँ चल दी। तो कह रहा यार नरसिंह जी अभी तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ और मुझे जाना है, क्योंकि संत महात्मा ऐसे होते हैं। बोले ऐसा करना, मैं देखो जात का दर्जी हूँ, पीपा जी संत जो थे वो जात के दर्जी थे। बोले मुझे कभी कभी ना सुई की जरूरत पड़ती है, तो तू ऐसा करना अब वहीं मिलेंगे आना आना, अब सत्संग वहीं करेंगे, तो अगर तुम्हारा जब अंतिम हो जाए तो तू बोले सुई लेते आना मैं। और इतना कह के वो चले गए। वो गए उसके कुछ समय बाद नरसिंह जी बहुत बीमार हो गए, तब उनका होश आया कि यार मेरे गुरु जी को एक सुई देना, उसका क्या होगा। उस सुई की याद की वजह से उनकी जान बच गई है। और जब उनको होश आया कि यार मैं अगर चला जाता है संसार से, शरीर छोड़ देता मैं, मगर मेरी मृत्यु हो जाती तो इस धन का क्या होता। एक सुई की साथ में लेकर नहीं जा सकता इंसान। तब नरसिंह जी को बैराग हुआ था, उन्होंने सारी दौलत दौलत गरीबों में बांट दी और संतों की भक्ति में, उस मालिक की भक्ति में वो लग गए, इसलिए आज वो अमर हो गए। इस बात को कहा आगे कहा इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पहला जी ने भी सरिया देने जा के कुमार थे जिन्होंने निवाड़ा रचा था और वो पटकर रख दिया था बिल्ली वाला, और उन्होंने भक्ति करी थी। पहला जी को तब पता चला कि ईश्वर वो परमात्मा वो मालिक कोई और है, क्योंकि वो उनके पिताजी को ही भगवान मानते थे। तब उनको पता चला कि मैं देखता हूँ कौन बचाता है। इस बात को उन्होंने ऐसा कहा, देखेगा संगत सरिया देवी खंबा से पात भरी है।
प्रहलाद जी को उस परमात्मा ने एक संकेत दिया, क्योंकि प्रहलाद जी को यातनाएं दी गई थी कि ग्राम खंभा करो और उसमें इसको खत्म कर दो। बच्चे थे वो, तो उस खंभे पे चीटियां चलती जब प्रहलाद जी ने देखा तो मन में हिम्मत आ गई, कह रहे जब चीटी नहीं मर सकती तो मैं कहां से मरूंगा। तब तो उन्होंने खंभा भर लिया था बात में, इसलिए नहीं कहा देखेगा। और किन्ने संत की संगति करी, उदाहरण उनके पीछे परमात्मा का हाथ था, उनके पीछे कुदरत की ताकत थी, इसलिए क्या हुआ, संगति की वजह से। बात संगति की हो रही है, इसलिए हम तय करें कि हमारी संगति कैसी है, क्योंकि खाना के दड़े अगर दौड़े बैठे तो कहते हैं थोड़ा बहुत तो लक्षण लिखे इकाली हमारी संगति कैसी है उसका बारा हम तय करना। जी हाँ, इकाली क्यों लोहरे में लोहा के अगर आप पानी में रखी दोगा तो रसा तल में चले जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन पता है कि वही लोहा जो नाव होती है लकड़ी की, उसके अंदर कसा हुआ रहता है कितना, फिर भी वो डूबता है, पानी का साफ करता है नहीं। उस लोहे की संगति लकड़ी से, क्योंकि लकड़ी हल्की होती है। जब तक हल्का नहीं होता इंसान तब तक तैरता नहीं इस मट्टी मारियों में। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो तुम आओ हल्का होकर तत्व मान को भरो,
और इस बीच रहने रहो मेरे हुजूर तो भोसे उतरो ठिकाने हम हड़ता हो जाओ। और हमने कई वजन लादी रखे हैं सबके पता जात का पांच का ऊंच का नीच का काला का घोरा का दुर्विचार दुराचरण का गलत खान पान का ये सब हमने भरा भरते रखा है। तीसरा दूर कर दो तो थोड़ा हल्का हो जाओगा अगर हल्को हो जाएगी तो हल्की वस्तु कभी डूबे नहीं गई आप घी के पानी में डाल दो कभी डूबेगा इसलिए देखिएगा लोहा जो होता है मैंने वो कितना भी जंग खाया हुआ हो लोहा कितना भी भारी हो लेकिन जब हल्की वस्तु का सहन कर लेता है तो वो तो टिक जाता है। इसी बात को यूं कहा है देखिएगा गुरु महाराज की जय। इस तरह से लोहा संगत काठ न पीनी काठ बने लकड़ी कितना भी अज्ञान मनुष्य